हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ईए स्पोर्ट्स क्रिकेट 07 में टाटा IPL 2024 पैच को कैसे इंस्टॉल करोगे। तो इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले से बनाया है, बट इसका ये है अपडेटेड वर्जन, जो कि इस पे आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टूर्नामेंट उसमें नहीं था, बट ये वाले पैच में आपको टूर्नामेंट भी मिल जाएगा और जो स्क्वाड था वो भी अपडेट हो गया है और आप मस्त टूर्नामेंट को खेल सकते हो। और जो कि ओवरलेस थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस बार भी ये बहुत ही अच्छे हो गए हैं। सभी टीम के हमने ओवरलेस को भी अच्छा से डिज़ाइन कर दिया है और यहाँ पर जो ग्राउंड्स हैं वो भी हमने नए ग्राउंड को ऐड कर दिए। जैसे कि उस वाले पैच में GT का ग्राउंड नहीं था, तो इसमें हमने अहमदाबाद को ऐड कर दिया है। तो आपको बहुत ही अच्छा पैच दिख जाएगा ये। आप ये पैच का थोड़ा जो कि है प्राइस 59 रुपीज़ है और जो बायर्स ने पहले ही ख़रीदा है उनके लिए तो ये अपडेट फ्री होगा, बट अभी ये पैच का प्राइस जो कि है 59 रुपीज़ है। तो आप इसको मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना इस नंबर पे, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं नंबर दे दूंगा कि आपको किस पर पेमेंट करना है। और यहाँ पर आपको QR कोड भी लगा दूंगा जो कि आप उसको स्कैन करके भी पे कर सकते हो। तो उसके बाद आप मुझे उसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना स्क्रीनशॉट के साथ, स्क्रीनशॉट भेज देना उसके साथ लिंक मैसेज कर देना, मतलब कि आस्किंग फॉर लिंक कुछ भी आप मैसेज कर दोगे तो मैं आपको दे दूंगा डाउनलोड लिंक। तो ये है, ये जो कि होगी रोस्टर होगा और आपको एक टूर्नामेंट मिलेगा, मतलब गेम का जो रियल फाइल होगा वो मिलेगा। तो चलिए अब ये दो फाइल्स को आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी, ये दो होगी आपकी फाइल। तो मैं आपको रोस्टर को ही अभी एक्सट्रैक्ट करूँगा, आपको इसको सेम कर लेना है ताकि आप अभी मैं ये नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, टाइम लगेगा इसको, 5 मिनट्स तो लगेंगे एक्सट्रैक्शन पे, और आपके कंप्यूटर के अगर स्पीड अच्छी होगी तो वो बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो मैं अभी सिर्फ रोस्टर का ही कर रहा हूँ, तो आपको सेम प्रोसेस आपको इस अपडेट वाले जो दिख रहा है 2K24 उसको करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। इस पर क्लिक कर देना, ये आपको 2-3 मिनट के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और एक्सट्रैक्शन से पहले आपको अपने विंडोज़ डिफेंडर यानी जो कि विंडोज़ के एंटीवायरस होते हैं उसको सभी को डिसेबल कर देना होगा, नहीं तो आपको गेम को इंस्टॉल करने में ऑप्शंस प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जाकर आप जो कि यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं इस पर जाकर इसको ऑफ़ कर देना, जो कि ये सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस रहते हैं, ये टर्न ऑन का आ रहा है, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, आपको भी इसको जाकर ऑफ़ कर लेना है। तो आप उसके बाद ऑफ़ करने के बाद ही आप गेम को एक्सट्रैक्ट करना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम गेम को ओपन कर लेते हैं। तो गेम को एक बार ओपन करने से पहले ये रोस्टर वाली फ़ाइल होगी, इस फाइल को लेना है और कॉपी करना है और डॉक्यूमेंट्स पे आना है। देखना मैंने इस फाइल को किया है, इसके अंदर वाली फ़ाइल को नहीं, इस फाइल को ही आपको कॉपी करना है। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और जाना है दिस PC पर और डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर पर। तो डॉक्यूमेंट्स पे हम चल जाते हैं, यहाँ पर लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये आपको पेस्ट का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, मुझे आ रहा है क्योंकि मैंने पहले कर दिया था इसलिए आपको डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। चलिए अब हम गेम को खोलते हैं। तो ये देखना आपको गेम की फाइल ऐसे नहीं मिलेगी, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जाके, तो आपको यहाँ पर फाइल जल्दी नहीं मिलती है। तो इसके लिए आपको सिंपली इस ये ऑप्शन आता है टाइप, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए अब हम गेम को ओपन करते हैं। तो गेम को ओपन करने के लिए ये लॉन्चर है, इस प्रोसेस को आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये आपको लॉन्चर से गेम को ओपन करना है, ये दिख रहे हो आप, यहाँ से कोई भी टीम यानी कि ओवरले को सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मल अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई कर देना होगा, ओके कर देना होगा और चलिए गेम को ओपन करते हैं। ये गेम ओपन हो गया है, आपको कुछ ऐसा न्यू चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सो यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू, यहाँ पर देखना आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और उससे पहले आपको रोस्टर को लोड करना है। तो यहाँ पर माई क्रिकेट पर जाकर लोड
और नोट फिर से यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रोस्टर जो होता है उसको IPL 2K24 इसको सेलेक्ट करके यस यहाँ पर दिखता है लोड कंप्लीट, तो कंटिन्यू कर लेना। इस पर जाना सेकेंड वाले ऑप्शन इस पर और यहाँ पर और ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम IPL खेल सकते हैं। चलिए हम मैं कोई भी टीम को ले लेता हूँ, सबको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर अभी GT को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू। ये देखना अब हम इसको फिर से कंटिन्यू कर देते हैं डन। तो ये हमारा गेम अभी ओपन हो रहा है, इसको हम ओपन होने देते हैं। सो यहाँ पर मैंने बैटिंग ले लिया है और आप देख सकते होंगे कि ये जो स्टेडियम के बैनर्स थे ना वो भी हमने नए लगा दिए, जो कि टाटा IPL जो आपको देखने को लिख है वो हमने चेंज कर दिया है। अभी मैं आपको जो ओवरले को चेंज कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हो आप, अभी यहाँ पर एक ओवरले नॉर्मल से आ रहा है, मतलब कि कोई भी टीम का नहीं आ रहा है, ये एक नॉर्मल ओवरले। आप इससे भी खेल सकते हो, अगर आपको किसी टीम का ओवरले सेलेक्ट करना है तो एस्केप बटन दबाना होगा आपको, फिर विंडोज़ बटन दबा देना। विंडोज़ बटन दबाने के बाद आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आना और यहाँ से ये TV मेन्यू ओवरले इस पर सेलेक्ट कर अभी हम GT से खेल रहे हैं तो GT को मैं क्लिक कर अप्लाई कर दूंगा और ये देखिए सक्सेसफुली लोड हो जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पर अब GT का ओवरले आ जाता है आपके स्क्रीन पर, देखना GT का ओवरले आ चुका है। ऐसे ही हम मुंबई का भी कर सकते हैं, किसी भी टीम का कर सकते हैं, आपको किसका करना है आप करिए। चलिए अभी मैं आपको मुंबई का करके बता रहा हूँ। यहाँ पर फिर से मैंने एस्केप बटन दबाया और फिर से इस वाले पर आकर यहाँ पर मुंबई इंडियंस अप्लाई ओके। अब देखना यहाँ पर मुंबई का ओवरले आ जाएगा, देखना यहाँ पर ये मुंबई का ओवरले। तो आप हर टीम का सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे आप ओवरले को लोड कर सकते हो।